राप्ती नदी के तट पर स्थित एकला बंधे पर नगर निगम द्वारा महानगर के पांचों जोन के कूड़ा गिराने के चिन्हित स्थान पर मंगलवार को नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारियों ने पहुंचकर साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि एकला बंधे पर नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जमीन पर गिराए जा रहे कूड़े के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों में संक्रामक और संचारी रोग फैलने से बचाव के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव के साथ साफ सफाई और फॉगिंग कराई गई है, जिससे लोगों को संचारी रोग से बचाया जा सके। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि यह सफाई और फॉगिंग का अभियान प्रत्येक 15 दिन के भीतर होता रहेगा। उन्होंने बताया कि सहजनवा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जमीन क्रय किया जा रहा है, जो करीब 90% पूरा कर लिया गया है। 10% जमीन जिला प्रशासन द्वारा मिलना है, इसका DPR बनाकर शासन को भेज दिया गया है। नगर आयुक्त ने कहा कि सहजनवा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जमीन मिलने के बाद एकला बंधे का कूड़ा वहां पर गिराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, ये हर 15 दिन पे एक तो अभियान चलाओ, आप 15 दिन का अभियान चलाइए पूरा जो है। आज हम लोग जो है अपने पांचों जोन के जो सफाई कर्मियों को टीम को लेकर जो पांचों जोन का जो कूड़ा है वो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहाँ प्लांट है वहाँ पर हम लोग ले जाते हैं एकला बंधे पर, और वहाँ पर ले जाके उसको डंप किया जाता है। तो वहाँ पर उन कूड़ों की वजह से आसपास का जो दूर का क्षेत्र है वहाँ पर किसी प्रकार का संचारी रोग ना फैलने पावे, किसी प्रकार का प्रदूषण ना फैले, उसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह से वहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया, वहाँ पर जो चूना मेलाथियोन का घोल का छिड़काव कराया, वहाँ पर सैनिटाइज कराया गया बहुत अच्छी तरह से, और लगभग 200 के करीब कर्मचारी वहाँ लगे हुए थे जिन्होंने पूरी सड़क को साफ किया गया। मुख्य अभियंता भी साथ में थे, वहाँ पर कीचड़ की वजह से कुछ सड़क दब गई थी, उसको भी कहा गया है कि उसमें मलबा डालकर उस पर रोलर चला दें, जिससे कि लोग इधर से लोग निकल कर जो दूसरी साइड में जाते हैं जो मुख्य रोड पर, तो वहाँ से आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये हम लोग का प्रयास है। और एक चीज़ और कहा गया कि चूँकि इस वक्त पानी बरस जाने के बाद जब पानी कम हो गया है तो ये जल प्लावन की वजह से कहीं पे संचारी रोग ना फैले, हर 15 दिन में ये कहा गया कि हर 15 दिन में ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिसकी वजह से संक्रामित रोगों को फैलने नहीं देना है, इसको नगर निगम सुनिश्चित कर रहा है। सर एक जगह भी सहजनवा में चिन्हित किया गया, उस पर अभी तक क्या? सहजनवा में अभी हमको जितनी जमीन लेनी थी उसकी मतलब 90% जमीन हम ले चुके हैं, 10% जमीन बची है जो कि जिला प्रशासन के माध्यम से हमको मिल रही है, जैसे वो हो जाएगी DPR शासन में चली गई है उसके बाद वहाँ से आके उस पर काम शुरू हो जाएगा। हाँ, जब वहाँ पे पूरा हमारा प्लांट बन जाएगा तो ये कूड़ा वहाँ पे कितना शिफ्ट हो जाएगा।